और कैश भी आता है उस हिस्से। उन्होंने वहाँ पे ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन वो जो वहाँ का चढ़ावा है काफी अच्छे से, वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बिल्कुल नहीं है ना वहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था। से श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट के अंदर आ गया। हमारी जो बहनें हैं बैच फोर्स की, वहाँ भी उनको रहने के लिए या नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे बैच फोर्स के जवान वहाँ पर जाते हैं तो कम से कम उनका रहने की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर अपनी स्टेट नाम आशा चंदन, मेरा नाम आशा चंदन है जी। क्या मसला जी? फैसला तो हमें यही चाहिए कि जो हमारे स्टेट के गवर्नर साहब हैं सत्यपाल मलिक जी, जैसे हमारे पहले गवर्नर साहब ने श्राइन बोर्ड के श्री वैष्णो माता जी को श्राइन बोर्ड ट्रस्ट के अंडर किया था, और श्री अमरनाथ यात्रा को उन्होंने श्राइन बोर्ड के ट्रस्ट किया था, ऐसे ही हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी श्री मचेल यात्रा है चंडी माता जी की, जब आने वाली छड़ी चलनी है अगले साल नेक्स्ट साल जब हमारी छड़ी चलेगी श्री मचेल माता जी की, तो श्री सत्यपाल मलिक जो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रस्ट के अंदर आनी चाहिए। क्यों मांग कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों मांग कर रहे हैं? हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई नहाने का सिस्टम नहीं है। हमारी बेल्ट फोर्स की जो बहनें हैं वहाँ पे नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनकी रहने की व्यवस्था है। जो हमारे बेल्ट फोर्स के भाई हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे इतनी बारिश होती है, इतने बारिश का माहौल बन जाता है, उनको एक टेंट दिए हुए हैं, उन टेंटों में लीकेज चलती हैं, जो दो महीना ढाई महीना जो हमारी छड़ी चलती है उनमें उनको गीले में सोना पड़ता है, बेचारों को टेंट जो है वो भी लीक हो जाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने कमरों के किराए बड़े रखे हुए हैं कि 800 रुपया 600 रुपया, कोई उसकी वो तय नहीं है वो क्या रेट लगाएंगे। 700 800 900 रुपया उन्होंने एक दिन का किराया रखा हुआ है। जो मेरा बेल्ट फोर्स का जवान एक महीने में सैलरी लेता है तो वो रोज कैसे 800 रुपया उनको पे करेगा वहाँ का रेंट।